अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हाइड्रोफाइल एंड इट्स टाइप्स। वाटर के अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लांट जो है उसको फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, फाइव ग्रुप्स में क्लासीफाइड किए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो है हाइड्रोफाइट, सेकेंड है जीरोफाइट, थर्ड वन है मीजोफाइट, फोर्थ वन है हेलोफाइट और फिफ्थ वन है हाई ग्रुप फाइट्स। और ये जो फाइव ग्रुप्स हैं ये चूंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं, जो एनाटॉमिकल करेक्टर होते हैं और जो फिजियोलॉजिकल करेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये अडॉप्टेड होते हैं टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोफाइट का जो वर्ड है एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है तो वर्ड का, हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट जो है ये आ है फाइटान से, जिसका मतलब है प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट को हम सिंपली वाटर प्लांट्स भी कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो है ये वहां पर ग्रो करते हैं जहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मौजूद हो, ये इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इनसाइड द वाटर ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट जो है इसके पीर फोर टाइप है। फर्स्ट जो है वो है सबमर्ज हाइड्रोफाइट, सेकंड है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, थर्ड वन है फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट और फोर्थ वन है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। तो पहले हम लेते हैं सबमर्ज हाइड्रोफाइट को। तो जैसे कि नाम से जाहिर है सबमर्ज हाइड्रोफाइट, सबमर्ज का मतलब है डबोना। तो ये जो प्लांट होते हैं ये रिमेन अंडर द वाटर, ये वाटर के इनसाइड पाए जाते हैं, वाटर के बॉटम में पाए जाते हैं, इसका एयर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक पॉन्ड है, तालाब है, ये वाटर सरफेस है और यहाँ पर ये क्या है मड है, कीचड़ है। तो सबमर्ज हाइड्रोफाइट जो वो वाटर के बॉटम में पाए जाते हैं, इसका एयर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। सबमर्ज हाइड्रोफाइट जो होते हैं इसकी कंप्लीट बॉडी जो है वो एडाप्टेड होती है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए इसमें जो रूढ़ होते हैं वो या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं या पोअरली डिवेलप होते हैं और रूट हेयर जो है वो भी एब्सेंट होते हैं और इसमें रूट पॉकेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रूट पॉकेट्स क्या है? रूट कैप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो नॉन फंक्शनल रूट कैप आ रहा, इसको हम वेस्टिजियल रूट कैप भी कह सकते हैं। तो नॉन फंक्शनल और वेस्टिजियल रूट कैप जो है इसको हम रूट पॉकेट्स कहते हैं, यानी कि जब रूट कैप अपनी फंक्शन को लॉस करे तो इसको हम रूट पॉकेट्स कहते हैं। स्टेम जो होगा वो सॉफ्ट होगा, स्पॉन्जी होगा, वीक होगा, स्लेंडर होगा, स्लेंडर का मतलब तीन होगा यानी कि पतला, और डिवाइड होगा नोड्स एंड इंटर नोड्स में, यानी कि इस तरह होगा, ये क्या है ये नोड है और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू नोड इसको हम इंटर नोड कहते हैं। तो स्टेम जो वो नोड्स एंड इंटर नोड में डिवाइड होता है। सबमर्ज हाइड्रोफाइट के जो लीव्स होते हैं वो तीन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। रिबन क्या है? ये एक प्लास्टिक मटेरियल है जो फीमेल जो है वो हेयर के लिए यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो सबमर्ज हाइड्रोफाइट के जो लीव्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं और इसमें जो स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा वो एब्सेंट होती है, इसमें हाई द टोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हाई द टोड्स, हाई द टोड्स क्या है? ये भी स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू वाटर एक्सक्रीशन होती है। सबमर्ज हाइड्रोफाइट जो है इसकी कंप्लीट बॉडी जो है वो
कवर की होती है म्यूसेजिनियस सब्सटेंसेस ने, म्यूसेजिनियस सब्सटेंसेस ये बने होते हैं प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो इससे बने होते हैं। ये म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंसेस जो ये सबमर्ज हाइड्रोफाइट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं पैथोजन अटैक से और वाटर के जो डिकेइंग इफेक्ट हैं, डिकेइंग इफेक्ट इससे सबमर्ज हाइड्रोफाइट को प्रोटेक्ट करती हैं। बाज समर हाइड्रोफाइट जो है उसके बॉडी पर आप लोगों को परिकल मिलेंगे, परिकल आर स्पाइना। देखो वाटर जो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल पाए जाते हैं जो ये जो हाइड्रोफाइट है इसके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, तो उस एक्वेटिक एनिमल से परिकल और स्पाइन जो ये सबमर्ज हाइड्रोफाइट को प्रोटेक्ट करती हैं। सबमर्ज हाइड्रोफाइट जो है इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आर विंटर बर्ड्स के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जब प्लांट बॉडी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, और हर फ्रेगमेंट जो है वो डिवेलप हो जाता है टू न्यू प्लांट टू द सेम प्लांट, तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और विंटर बर्ड्स क्या है, ये जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट है इसके बॉडी के साथ इस तरह बर्ड जो है वो अराइज हो जाते हैं, और ये बर्ड जो है ये ऑटम में ये सेपरेट हो जाते हैं और चले जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द वाटर, और स्प्रिंग में फिर ये बर्ड जो है ये डिवेलप हो जाते हैं टू द सेम प्लांट टू न्यू प्लांट, और इस बर्ड को हम नाम देते हैं विंटर बर्ड। याद रखें ये ऑटम में सेपरेट हो जाते हैं और स्प्रिंग में डिवेलप हो जाते हैं टू द सेम प्लांट। तो ये हुई समर हाइड्रोफाइट। सेकेंड वन जो है वो है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जैसे के नाम से जाहिर है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ये जो हाइड्रोफाइट होते हैं इसका बॉटम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता, ये फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं वाटर सरफेस पर, ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं वाटर में, तो इसलिए इसको फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये बॉटम के साथ अटैच नहीं होते तो इसका मतलब कि इसमें रूट जो है वो एब्सेंट होंगे, रूट हेयर भी एब्सेंट होंगे और रूट पॉकेट जो वो प्रेजेंट होंगे। रूट पॉकेट क्या है मैं पहले बता चुका हूं। स्टेम जो होगा वो सॉफ्ट होगा, डिवाइड होगा नोड्स एंड इंटर नोड्स में, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लोट करती ऑन द वाटर सरफेस पर, और लीफ पेट्यूल जो होगा इसका वो फ्लैट होगा, यानी कि इस तरह का इसकी लीव जो है वो इस तरह होती है और इसका जो पेट्यूल होता है वो फ्लैट होता है, इस तरह फ्लैट होता है, और इसकी जो लीव होती है वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कोई पॉड्स है, ये इसमें वाटर है, तो इसकी जो लीव होती है वो इस तरह वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करती है। इसमें भी स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होंगे, हाइटाटोर जो है वो प्रेजेंट होंगे, और वो भी लीफ के लोअर सरफेस पर। तो ये हुए फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। थर्ड जो है वो है फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जैसे के नाम से जाहिर है फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी कि इस हाइड्रोफाइट्स के जो रूट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं मड में, कीचड़ में, और जो लीव्स होती है वो वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करती है, इसलिए इसको फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और इसमें जो रूट होते हैं वो वेल डिवेलप होते हैं,
फिक्सेशन बी करते हैं, रूट हेयर जो है वो एब्सेंट होते हैं और रूट पॉकेट जो है वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, वो मड में इसी तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, और जब अंडरग्राउंड होता है स्टेम तो उसको हम नाम देते हैं राइजोमा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक पॉन्ड है, तालाब है, ये इसमें क्या है, वाटर है, और ये कीचड़ है, तो इसका जो स्टेम होता है वो इस तरह मड में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं, और इससे इसी तरह रूट जो अराइज होते हैं, और इसकी जो लीफ होती है वो इसी तरह वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करते हैं, इसलिए इसको हम फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट कहते हैं, कि इसकी जो रूट्स होते हैं या अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो वाटर में फिक्स होते हैं और लीव्स जो है वो वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करती हैं। लीव्स जो होंगे इसके वो लार्ज होंगे, थिक होंगे, वेल डिवेलप होंगे, और जो स्टोमेटा होगी वो प्रेजेंट होगी वो भी अपर सरफेस पर। फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट के जो लीव्स होते हैं उसकी जो मर्जन होती है वो अपवर्ड की तरफ टर्न होती है, क्योंकि ये अपर सरफेस को बचाती है वेट होने से, गीला होने से, इसलिए इसकी मर्जन जो है वो अपवर्ड की तरफ टर्न होती है। लास्ट वन जो है वो है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। तो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट जो है वो कौन से होते हैं? एम्फीबियस जो है एक्चुअली कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का, एम्फी का मतलब है बोत आर डॉल, और बियस जो है ये आ है बायोस से, जिसका मतलब है लाइफ आर लिविंग। देखो एफएससी में आप लोगों ने वर्टिब्रेट पढ़े होंगे, जूलॉजी का टॉपिक है, तो वर्टिब्रेट जो इसके फोर क्लासेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियन के बाकी जो एग्जांपल है वो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन फ्रॉग जो है, मेंढक जो है वो मुझे याद है। तो मेंढक जो है वो डॉल लाइफ जो है वो गुजारती है, वाटर में भी अपनी लाइफ जो है वो गुजारती है, लैंड पर भी अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं, इसलिए उसको एम्फीबियन कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोफाइट है इसकी तकरीबन 30% पार्ट जो है वो वाटर में होता है अलोंग विद रूट्स, और 70% वो एयर में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक पॉन्ड है, ये इसमें वाटर है और ये इसमें क्या है, मड है, कीचड़ है, तो इसकी जो रूट होते हैं वो वाटर में आते हैं और बाकी भी कुछ पार्ट जो है वाटर में आता है, और इसकी जो ज्यादातर पार्ट जो है वो आता है एयर में, आउटर इन्वायरमेंट में, तो इसलिए इसको एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कहते हैं, कि ये पार्टली लाइफ जो है वो वाटर में गुजारती है और पार्टली लाइफ जो है वो एयर में गुजारती है, और ये ज्यादातर इनहेबिट करते हैं मार्शी प्लेसेस में, तो इसको हम एम्फीबियन या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये हुए हाइड्रोफाइट्स और उसके टाइप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।